तो चलिए आज बना लेते हैं अपने इस पनीर सीरीज में एकदम कमाल के धमाल के कबाब। अब चाहे तो आप इसे पनीर शामी कबाब कहिए या फिर जो भी आप और इसे कोई नाम देना चाहें आप बिल्कुल दे सकते हैं। एकदम कम से कम चीज़ों के साथ इतने गजब के और इतने ज़्यादा टेस्टी कबाब बन के तैयार हुए कि क्या ही कहने। यूजुअली कबाब बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे हम कम से कम चीज़ों में एकदम कमाल का कबाब बना के तैयार करेंगे। और ये कमाल के बने हैं या नहीं ये आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, तो फटाफट से इसे एक ट्राई ज़रूर दें। तो यहाँ पे पहले ही हाफ कप चने को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। चने को बढ़िया से धुल लिया है और इसे डायरेक्टली डाला है कुकर में। साथ में डाला है यहाँ पे रफली चॉप किया हुआ प्याज। इसे बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही चार भाग करके डाल दिया है। साथ में डाला है तीखे के लिए हरी मिर्च, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी की स्टिक 1 इंच की, 10 से 12 कलियां लहसुन की, नमक डाला है स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 विजल लगने तक हम पका लेंगे। उसके बाद प्रेशर को अपने आप निकलने देंगे और फिर दालचीनी और तेज पत्ते को निकाल करके सारी चीज़ों को एक अच्छा सा दरदरा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम नमक, डाल लिया है स्वाद के अनुसार, तीखी लाल मिर्च डाला है 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे लिया है हींग और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का। 100 ग्राम पनीर को यहाँ पे ग्रेट करके डाला है और डाला है ढेर सारा हरा धनिया पत्ता। साथ में डाला है यहाँ पे 1 छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाना यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सारे मसालों को एक साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी फ्लेवर जो है अच्छा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट लगा के इसे तसल्ली से मिलाएं। तो इसे बढ़िया से मिलाने के बाद अब इसे शेप देना है। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि इसे सीख कबाब की तरह शेप में लाया जाए, लेकिन इसमें हमने बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट यूज़ नहीं किया है इसलिए टिक नहीं रहे थे, फिर भी मैंने कोशिश की। तो अगर इसे हमें सीख में लगाना है तो इसके लिए इसमें 2 चम्मच लगभग डालेंगे भुना हुआ बेसन या फिर 2 चम्मच भर के डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का। तो ये प्लान फेल होने के बाद मैंने बस इसे गोल गोल से टिक्की का शेप दिया है और इसे घी लगा के पैन पर सेक लिया है। तो दोनों साइड से इसे बढ़िया से एकदम क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर किसी और दूसरे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसे रिफाइंड ऑयल में ना सेक के मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है ताकि ये पूरी तरह से हेल्दी ही रहे। ऊपर साइड भी घी या तेल लगा देंगे, उसके बाद इसे फ्लिप करेंगे। इसे टिक्की का शेप देने से ये बड़े आराम से पलट जा रहे थे, तो इसे बढ़िया से दोनों तरफ से सेक लिया है। किसी भी तरह की गैदरिंग, हाउस पार्टी या फिर इवनिंग स्नैक के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे कोई मसाले हमने यूज़ नहीं किए हैं जो घर में ना मिले और टेस्ट में भी ये कमाल के हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी कुछ चटपटा और बहुत अच्छा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर दें। और अब मानसून भी आ ही गया है तो बहुत फुर्सत निकाल के एकदम फुर्सत से ये कबाब बनाएं और अपनी शाम की चाय के साथ इसे इंजॉय ज़रूर करें। तो बस ऐसे ही अलट पलट करके सारे कबाब को सेक लिया है, अच्छे से ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे सेके। कबाब पराठे के लिए भी ये कबाब एकदम परफेक्ट हैं, बस साथ में बनाएं हरी चटनी और लच्छेदार प्याज और गर्मा गर्म इसे इंजॉय करें। तो यहाँ पे टिक्के बनके एकदम तैयार हैं। मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा सा चाट मसाला और साथ ही में इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा टोमेटो सॉस और थोड़ा सा मायोनीज। इसे कैसे प्लेट करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, मैंने इसे ऐसे प्लेट किया है। वो कहते हैं ना, खाने को मुँह में खाने से पहले उसे आँखें खाती हैं, तो खाना दिखने में सुंदर होना चाहिए, इसलिए खाने का सुंदर दिखना ज़रूरी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर इस पनीर सीरीज़ के लिए आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं पनीर सीरीज़ की अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।